अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यहाँ पर मैंने लिया है तेल और ये मैंने अपने भिगो दिए हैं चने। आज बताऊंगी कि ये तेल के अंदर हम अपने चने बॉईल करके और किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपको अपने ब्लैक चने हैं जिसको मैंने 3-4 घंटे पहले ही डाल दिया था, उसके अंदर भिगो दिया था, और अब इसे करते हैं फ्राई। ये डाल दिया मैंने इसको गर्म तेल में, और फिर जब ये गर्म तेल से फ्राई करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट बन जाते हैं। और इसे हमें बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस बॉईल करने को आप अपने खोल के ऑयल में डालें और इसके मिक्सरी चिकन की डिशेज बना लें। ना बॉईल करने की झंझट और ना बॉईल करने के बाद जो इसके जो है यानी प्याज जो होते हैं इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर फ्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको तेल में डाला है और इसे कर रही हूँ फ्राई। ये चने भिगोने के बाद जब हम इसे बॉयल करते हैं और फिर सारे ब्लैक चनों का पानी आप फेंक देते होंगे, इसकी वजह से इसके अंदर जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं, इसमें जितने विटामिन हैं, क्योंकि चने के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत ताकत इनके अंदर अल्लाह पाक ने रखी है, एनर्जी रखी है, तो वो सारी ज़ाया हो जाती है। लेकिन इसे ये है कि फ्राई करके खाने के बाद इसकी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इसके अंदर ही मौजूद रहते हैं। तो इसे करते हैं फ्राई। देखिए फ्राई हो रही है हमारे चने, और देखिए किसको भी इसमें कलर इतना अच्छा सा इसमें आ गया है। बस और 5 मिनट के बाद हम इसे निकालते हैं, तो मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ कि फ्राई करने के बाद भी ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं कि हमें बिल्कुल भी इसे बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये हो गए हैं फ्राई, इस स्टेज पर इसे बाहर निकाल दें और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ कि वो किस कदर सॉफ्ट से हमारे चने हो गए हैं। ये देखिए अब इसका रिजल्ट, ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं फ्राई करने के बाद, कि इन्हें बिल्कुल बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आप बिल्कुल देख सकते हैं आपके सामने। अब ये है कि इसके साथ बनाते हैं मज़ेदार किस्म के चने। जी, चने से अपनी मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे रखा पॉट, यहाँ पे हल्का सा डालेंगे ऑयल, इतना सा बस ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास कड़ी पत्ता है, पहले डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा, जिसकी खुशबू कड़ी पत्ता ज़ीरा इसकी खुशबू मिलकर बहुत अच्छा सा ये है कि हमारी डिश को जायका देगी। ये डाल दिया मैंने ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास मेथी दाना, थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद इसमें डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ ऑनली लहसुन का पेस्ट डालूंगी, आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑनली लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये चला गया इसके अंदर, अब इसे भूनेंगे। इसे भूने, ऑलरेडी बहुत मजे की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। इसे भूनने के बाद यहाँ पे जो हमने अपने चने आपके सामने फ्राई किए थे सॉफ्ट से चने, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो मसाले चलेंगे इसके अंदर, इसे डालेंगे हम अपने ये लहसुन, कड़ी पत्ते, मेथी दाना और जीरे के साथ भूनने के बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। हमारे जो स्पाइसेस में जाएगी ये मैं डालती हूँ पीसा हुआ जीरा विद रोस्टेड किया हुआ है, ये चला गया इसके अंदर। इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है, मैं थोड़ा सा ही डाला क्योंकि ऑलरेडी हमने ज़ीरा भी साबित ज़ीरा भी स्टार्टिंग में डाला था। यहाँ पे मैं डालूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये भी चला गया। इसके बाद हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, और टर्मरिक पाउडर के बाद थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे, ये चला गया हमारा टर्मरिक। टर्मरिक के बाद डालेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर जाएगा
हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला, ये चढ़ा गया गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम डालेंगे इसमें हमारा भुना पिसा हुआ धनिया पाउडर। इस स्टेज पे आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूंगी अपना इमली का प्लम डालूंगी जिसमें ऑलरेडी चाट मसाला शामिल है। जी इसे भूनेंगे हमारे मसालों के साथ। इसके बाद इसमें डालेंगे पर्पल, यहाँ पे इस स्टेज पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ब्लैक नमक भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन आधी प्याली जितना मैंने डाल दिया, उसके अंदर इमली का पानी डाल दिया है, इसमें ऑलरेडी मेरा चाट मसाला और ब्लैक नमक सब कुछ मिला हुआ है। ये करने के बाद इस स्टेज पे आप प्याज, हरा धनिया, टमाटर जो भी आपकी मर्जी हो आप शामिल कर सकते हैं। जी यहाँ पर मैंने टमाटर चॉप करके ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसे हिलाएं, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे और फिर ये हमारे यम्मी से चने जिसे हमने फ्राई करके पकाया है विदाउट बॉइल करके बहुत मज़े के बने हैं, बहुत मज़े की यकीन करें खुशबू आ रही है। इसे पकाते हैं और फिर करते हैं इसे डिश आउट। हाँ जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मज़ेदार सी चने की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी बहुत मज़े की बनी है। इस स्टेज पे चाहे तो बिल्कुल चूड़ा बंद है, आप प्याज भी डाल सकते हैं, हरे धनिया, हरा मिर्च डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये है कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, विदाउट मेहनत है बिल्कुल, चने भी आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा फ्राई कीजिए, लेकिन 3-4 घंटे भी होने के बाद फ्राई कीजिए। और मज़ेदार किस्म की चने से जो भी आपको रेसिपी बनानी है आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।